भागलपुर के कचहरी चौक पर दो वर्दीधारियों के बीच ट्रैफिक नियम उल्लंघन को लेकर विवाद और हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद सीनियर एसपी बाबूराम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। महिला दरोगा की दबंगई की जांच का जिम्मा ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह को सौंपी गई है, जिसके बाद जाँच के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर कचहरी चौक पहुंचे और वहां तैनात जमादार दशरथ यादव और पुलिस कर्मियों से अलग अलग पूरे मामले की जानकारी ली। दरअसल शनिवार को कचहरी चौक पर जीरो माइल थाने में तैनात महिला दरोगा ने दबंगई दिखाते हुए वन वे का उल्लंघन करने और ट्रैफिक नियम पालन नहीं करने के आरोप में जब्त स्कूटी को ट्रैफिक हवलदार जवाहर यादव को अपने पद का रुआब दिखाते हुए जबरन स्कूटी लेकर चली गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बिना हेलमेट के एक स्कूटी सवार युवक ने वन वे व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए पूरे नियम कानून को पैरों तले रौंद दिया, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात हवलदार जवाहर यादव ने स्कूटी को जब्त कर लिया। उसके बाद स्कूटी जब्त होने की जानकारी मिलते ही महिला दरोगा कचहरी चौक पहुंची और उन्होंने जमादार को जमकर खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, जमादार वन वे उल्लंघन और बिना हेलमेट के स्कूटी चलाने की जानकारी महिला दरोगा को लगातार दे रहे थे, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और जब्त किए हुए स्कूटी को जबरन ट्रैफिक पुलिस से छुड़ा कर ले गई। प्रारंभिक तौर पर यह भी पता चला कि वह जब्त स्कूटी महिला दरोगा की ही थी, जिसे उसका निजी चालक चला रहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि वन वे और ट्रैफिक नियम को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन जिस तरह से आम लोगों से कड़ाई से पेश आ रही है, क्या नियम को ठेंगा दिखाने वाली महिला दरोगा पर भी आम लोगों की तरह जुर्माना लगाया जाएगा या फिर आम और खास का फर्क रह जाएगा। बिहार में भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा हो, लेकिन इसका खासा असर धरातल पर नहीं दिख रहा है। बिहार में आए दिन हत्या पर हत्या थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कटिहार जिले का है, जहां पर आजमनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ अपराधियों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद प्रशासन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की वजह मामले को टालमटोल करने में जुट गई। कटिहार जिले में पहले पीड़िता की पोस्टमार्टम हुई, लेकिन वहां गलत रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद भागलपुर में दोबारा मृतिका की पोस्टमार्टम हुई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। इसी को लेकर भागलपुर में श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। पति की लंबी आयु के लिए मनाए जाने वाले पर्व वट सावित्री पूजा को लेकर भागलपुर के मंदिरों एवं वट वृक्ष के नीचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पूजा अर्चना करती दिखीं। पति की लंबी आयु और उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना लिए बड़ी संख्या में उत्साहित सुहागिन महिलाएं मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करते हुए सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ भी किया। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले वट सावित्री पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने अपनी पतिव्रता धर्म से यमराज को प्रसन्न कर 3 वरदान प्राप्त किए थे, जिसकी वजह से यमराज ने उनके पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया और तब से ही महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करती हैं, जिससे महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक दिन पहले से उनका तैयारी किया जाता है, मेहंदी लगाया जाता है, सब सामान जुटाया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और आज सुबह उठकर नहा धोकर सब तरह का पकवान चाय पंदोरी जितना होता है सब चढ़ाया जाता है घर गाछ के पीछे, और उसमें पूजा पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। इसके लिए एक दो दिन पहले से ही तैयारी करते हैं। आज तो एकदम 4 बजे सुबह से ही उठ के पूरा घर द्वार धोना पोछना नहाना सब कुछ करना, और 16 श्रृंगार करते हैं और जल देते हैं,
और बेहते हैं और सारा फल फ्रूट्स रहता है, पकवान पूजा करते हैं लंबी उम्र के लिए। आईपीएल समाप्त होते ही आईपीएल की तर्ज पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 5 दिवसीय भागलपुर क्रिकेट लीग की शुरुआत आज से हो गई। मैच का उद्घाटन समाज सेवी विजय कुमार यादव, भाजपा नेता बंटी यादव, भागलपुर के सार्जेंट मेजर के शर्मा, भागलपुर क्रिकेट संघ के सचिव आनंद मिश्रा सहित आगंतुक अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर और बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी कर किया। पहली बार भागलपुर में आईपीएल की तर्ज पर 2020 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन से क्रिकेट खिलाड़ी और खेल प्रेमी उत्साहित है। इस दौरान आयोजक विजय कुमार यादव ने युवाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर उनके खेल को निखारने की बात कही। भाजपा नेता बंटी यादव ने विजय कुमार यादव के प्रयास की जमकर सराहना करते हुए इससे भागलपुर के युवाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़ावा देने वाला करार दिया। उद्घाटन मैच तिलका मांझी फाइटर्स और घंटाघर चैंपियंस के बीच खेला गया, जिसमें तिलका मांझी फाइटर्स विजेता रही। इस दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मैच का लुत्फ उठाते दिखे। भागलपुर क्रिकेट लीग का जो आयोजन संडिस कंपाउंड में पूरे क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा और हमारे छोटे भाई विजय यादव जी के सौजन्य से जो इस क्रिकेट का आयोजन किया गया, मैं सबसे पहले दोनों को धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया आयोजन कराया जिससे आने वाले युवा इससे सीख लेंगे और आगे कार्यक्रम जो युवा हैं उनको ऊपर अपने कार्यक्रम इस खेल को दिखाने से ऊपर इनका अच्छा प्रदर्शन से ऊपर बिहार के लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये कैसे खेलेंगे उसका ये प्रतीक होगा। ये आईपीएल के तर्ज पे किया जा रहा है। यहाँ से धोनी भी खेल के देश के लिए खेल रहे हैं, तो आने वाला जो समय है वो ये क्रिकेट लीग से हो सकता है कि भागलपुर की युवा कहीं ना कहीं बिहार में या नेशनल लेवल पे क्रिकेट में प्रदर्शन अच्छा करेंगे और भागीदारी लेंगे। आज का कार्यक्रम ये भागलपुर क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ हुआ है अभी और ये पूरी तरह आईपीएल के तर्ज पर ये खेला जा रहा है। ये मैच ये लगातार जो है 5 दिनों का मैच है और 5 तारीख को इसका फाइनल होने जा रहा है और ये भागलपुर के युवाओं के लिए खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा दिखाने का अवसर है। यहाँ पे लोग प्रतिभा दिखावे और दिखा के जो है इंडिया के लिए खेले और बेहतर यहाँ से प्रदर्शन करके अच्छा जो देश का नाम रोशन करे। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत राशि डाली। इसमें भागलपुर के भी 3 बच्चे अमन, मेघा और अर्चना शामिल थे। समीक्षा भवन में प्रभारी जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी सौंपा, साथ ही बच्चों का हाल भी जाना। प्रतिभा रानी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए थे ऐसे बच्चों के अकाउंट, स्वास्थ्य कार्ड और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत राशि डाली गई। इसमें भागलपुर के 3 बच्चे शामिल थे। कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे जो बच्चे हैं इनको माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से पीएम केयर्स प्रोग्राम के तहत उनको लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा, ध्यान, इन सभी के बारे में पीएम केयर्स फंड से उन सभी बच्चों को आर्थिक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई समुचित तरीके से किया जा सके। उसी के संबंध में आज एक लाइव इंटरैक्शन सेशन था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश भर में सभी ऐसे बेनिफिशियरीज को जो है संबोधित किया गया एवं इन बेनिफिशियरीज के बीच एक किट का वितरण किया गया जिनमें उनसे संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध है, जैसे उनका जो पासबुक है जिसमें उनको आर्थिक हेल्प उपलब्ध कराया गया है और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हेल्थ कार्ड बनाया गया है, ये सारी चीज़ें संलग्न करके उनको एक इस फोल्डर में उपलब्ध कराई गई है। उनके गार्जियन को भी बताया गया है कि इसका ठीक से ध्यान रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि बच्चे का देखरेख ढंग से हो सके।
बढ़ती महंगाई व राशन कार्ड से नाम हटाए जाने के खिलाफ भागलपुर में भाकपा व भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन व प्रतिरोध मार्च निकाला व जिलाधिकारी कार्यालय के समीप जाकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही बुलडोजर सरकार नहीं चलेगी का नारा भी लगाया। सीपीआई के जिला सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि पूरे देश में महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चला जिसका आज समापन है। जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार गरीबों के घरों को उजाड़ रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था की सरकार उनके घरों को नहीं उजाड़े। हमारा इस महीने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन अभियान चला, उस जन अभियान का आज समापन है और आज हम प्रदर्शन के माध्यम से बेलगाम महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाने की मांग सरकार से करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर और जनजीवन हरियाली के नाम पर जो सरकार गरीबों और भूमिहीनों को उनके आवास को उजाड़ रही है, उसके बसाव की हम मांग कर रहे हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी भूमिहीन और गरीबों को उसके घर से नहीं उजाड़ा जाए और उसकी मुकम्मल व्यवस्था करें। कानून बना है, भूमिहीनों को जमीन देंगे, सरकार जमीन नहीं दे पा रही, जमीन भूमि चोरों के पास पड़ा हुआ है और उल्टे ये कह रही है कि अतिक्रमण कर लिया है, इस नाम पर उसको हटाया जा रहा है। हमारा मांग है कि जिस जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं उस बसे हुए लोगों को उसी जमीन का पर्चा निर्गत करो और उसके बसाव की गारंटी करो। स्ट्रीट वेंडर भारतीय शहरों का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वह बेहतर लागत और सुविधाजनक स्थानों पर सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स अपने परिवार की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह गरीब के लिए उद्यमशीलता सिखाने और गरीबी को दूर करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। इसी बाबत नासिक कार्यालय हटिया रोड तिलका मांझी में एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम प्रबंधक श्याम शंकर दीपक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें जिला प्रशासन नगर निकाय से आपसी समन्वय का अभाव के कारण फूटफाट दुकानदार प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। पहचान पत्र व वेंडिंग सर्टिफिकेट होने के बावजूद दुकानदार को आए दिन उजाड़ा जा रहा है। टाउन वेंडिंग समिति की बैठक नहीं होने से फूटफाट दुकानदारों के संदर्भ में कोई यथाउचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। पीएम सुनिधि के लोन देने में बैंक की उदासीन रवैया, शिकायत निवारण कमेटी का गठन नहीं होने से वेंडर्स अपनी मांग कहीं नहीं रख पाते। इस बाबत उन्होंने सरकार से मांग की कि हमारी जितनी परेशानियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा जो है मौखिक आदेश वो सर्वोपरि है, तो ये अविलंब रुकना चाहिए। कानून में जो कहा गया है कानून के तहत जो है सभी वेंडरों को व्यवस्थित करना चाहिए। यहाँ पे पिछले करीब हमको लगता है 7 या 8 महीने से टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, जो बताएंगे आपको आगे। तो मीटिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि आपका जो है कोई भी वेंडर के हित में निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकेगा, तो ये है। तीसरा चीज़ है कि राज्य स्तर पे ग्रीवांश रिड्रेसल सेट का जो है शिकायत निवारण तंत्र का जो है वो बनाने की बात है, तो शिकायत निवारण कमेटी आज तक बिहार में बनी ही नहीं, जिसके कारण से वेंडर अपनी समस्या को लेकर के जाए तो कहाँ जाए, यदि नगर निगम नहीं सुन रही है तो कहाँ जाए, तो वो भी कमेटी नहीं बनी है, जिसके कारण से वेंडर मजबूर है कि वो अपनी समस्या को कहाँ बताए। तो इसीलिए हम लोगों का मांग है कि जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है अभियान को तुरंत रोका जाए। अतिक्रमण अभियान के नाम पर वेंडरों से जो ये मनमाना जो है ये क्या कहते हैं फाइन काटा जाता है। फाइन काटने के साथ साथ मैं कल मार्केट में घूमा हूँ कई मार्केट में, तो मुझे ये भी पता चला कि उनका सामान बिना जब्ती रसीद का सामान उठाया जाता है। और जैसे कि एक वेंडर ने मुझे कहा कि उसका 2 टीना बिस्किट उठा करके लेके चला गया। अब वो 2 टीना बिस्किट कहाँ गया, वो नगर निगम में तो नहीं गया होगा, वो कर्मचारी जो उठा के ले गया वो घर में लेके गया होगा, वो खाया पिया होगा। तो आप रसीद भी काट रहे हो तो वो नगर निकाय के जो है वो राजस्व खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और तो वेंडिंग शुल्क आप दीजिए ना, पहले से ऑलरेडी टाउन वेंडिंग कमेटी के मीटिंग में यहाँ भागलपुर में वेंडिंग शुल्क निर्धारित किया हुआ है, तो आप वेंडिंग शुल्क लीजिए जिससे आपको राजस्व की प्राप्ति होगी, लाखों रुपये राजस्व नगर निकाय को मिलेगी। तो आप लीगल तरीके से वेंडर से आप जो है राजस्व ले सकते हैं, ना कि इलीगल तरीके से जो वेंडरों का सामान लेकर के लोग खा ले रहे हैं, ऊपर से जो है पैसा ले रहे हैं, उनको फाइन काट रहे हैं, ये सब अविलंब रोका जाना चाहिए।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर घाट से बालू लोड कर नदी के बांध पर चढ़ाने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान भवानीपुर देसरी पंचायत के वार्ड नंबर 5 भुराहा टोला निवासी चानो यादव के 25 वर्षीय पुत्र राजा यादव के रूप में हुई है। हादसे के बाद सहयोगी अन्य ट्रैक्टर चालक द्वारा इलाज के लिए चालक को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पूर्व भी उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना देर रात्रि की है। वहीं घटना के बाद बालू माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर को मौके से उठाकर फरार हो गए। बता दें कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न घाटों से बालू माफियाओं द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का उठाव किया जाता है। बालू उठाव के दौरान आपाधापी के कारण प्रतिदिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। इससे पूर्व भी एक चालक की भी ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई थी। कुछ माह पूर्व चांदपुर गांव में बालू लोड ट्रैक्टर से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे काफी बवाल भी हुआ था। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बालू माफियाओं के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं मृतक चालक के शव को जगदीशपुर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। मृतक दो भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके माता एवं पिता दोनों दिव्यांग है। वे अपने पीछे गर्भवती पत्नी सहित दिव्यांग माता पिता को छोड़ गए हैं।